back to my channel, Latif Covers All. तो मैं आज बहुत ही informative videos लाया हूँ आपके लिए, जिससे आप जान के अपना थ्रेस्ट प्लेट कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो, जलना नहीं चाहिए आपका थ्रेस्ट प्लेट। तो मेरा आज मेन वीडियो का मोटिव यही है कि आप कुछ तरीके बताऊँगा मैं आपको, जिससे आप अपना थ्रेस्ट प्लेट ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। मैं इस तरह का वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, टिप नंबर वन है कि हम लोग जब भी गाड़ी रात को बंद करके अपने घर के नीचे रखते हैं तो हमेशा डबल स्टैंड में रखना चाहिए। तो हमें डबल स्टैंड क्यों लगाना चाहिए? हमें डबल स्टैंड इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी ठंडी रहती है और हर जगह मोबाइल पहुँचता नहीं है क्योंकि हम लोग साइड स्टैंड में रख देते हैं, और ये गलती हमेशा हम लोग बार बार करते हैं। तो इससे हल्का वेयर एंड टेयर होता है इंजन में, तो हमें हमेशा गाड़ी डबल स्टैंड में रखना चाहिए रात में, या जब बहुत देर या 2-3 घंटे के गैप में हम गाड़ी नहीं चला रहे तब। तो गाइस, हमारा टिप नंबर टू ये है कि जब भी हम कोई सिग्नल में रुकते हैं बाइक लेके, तो हमेशा हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट गियर में रख देते हैं बाइक को और क्लच दबा के रखते हैं। तो इससे ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्लच प्लेट मूव करना बंद हो गया, मगर ये होता नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जब फर्स्ट गियर में रखते हो गाड़ी को कोई भी सिग्नल में, तो आपका वो पीछे का पहिया घूमता रहता है अगर आप क्लच लीवर दबा के भी रखते हो तो। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है क्या नहीं, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने क्लच लीवर छोड़ दिया है और व्हील स्पिन हो रहा है, राइट। और अब मैं इसको क्लच लीवर दबाऊंगा, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि तब भी क्या होगी। तो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि आप क्लच अगर दबाते भी हो तो आपका पीछे का चक्का घूमता रहता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि आपका क्लच प्लेट बंद हो सकता है। सो गाइस, हमारा तीसरा नंबर टिप ये रहेगा कि हम लोग जब भी कोई जगह पार्क करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी फर्स्ट गियर में चढ़ा के आगे जगह में गए, अब हम लोग को वापस पीछे करना है। तो मान लो ये हम लोग ऐसे हैं बाइक में, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लच लीवर दबा के पीछे करते रहते हैं गाड़ी स्टार्ट होते साथ भी, तो हमें ये चीज नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, क्लच प्लेट बर्न हो जाती है। तो मेरा तीसरा टॉपिक रहा ये।